मच्छरों को भगाने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन दोस्तों इनका हमारे घर में जो बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है। दमे की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं और हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इनका हमें तुरंत असर नहीं दिखाई देता लेकिन बाद में इनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने घरों में लगाकर मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं और मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे अपने आप को और अपने परिवार को आप बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको इन पौधों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास का जो पौधा होता है उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट हैं, मच्छर भगाने की बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनमें लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों लेमन ग्रास की जो ताजगी भरी खुशबू होती है वो एक मूड फ्रेशनर का काम भी करती है, यानी कि ये आपके मूड को भी फ्रेश करके रखता है। तो दोस्तों अगर आप लेमन ग्रास का पौधा अपने घर में लगाएंगे तो ये वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ ये आपके घरों से मच्छरों को भी दूर रखेगा। आप इसको अपने घर में जरूर लगा कर रखिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो पौधा आता है वो है गेंदा। गेंदे को आप सभी लोग जानते हैं। गेंदे के जो फूल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और गेंदे के फूलों के अंदर जो खुशबू होती है वो मच्छरों को तो भगाती ही है, उसके साथ साथ ये जो मक्खी कीट पतंगे उनको भी आपके घरों से दूर रखती है। अगर आप अपने घर की बालकनी में गेंदे का पौधा लगाएंगे तो ये आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और उसके साथ साथ ये आपके घरों से मच्छरों को भी दूर रखेगा। तो आप गेंदे का पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो पौधा आता है वो है लेवेंडर। लेवेंडर के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और मैक्सिमम जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उन सब में लेवेंडर का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर को महकाने के साथ साथ ये आपके घर से मच्छरों को भी दूर भगा कर रखता है। तो आप दोस्तों लेवेंडर का एक पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छर भगाने के लिए। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है लहसुन का पौधा। लहसुन के अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक और एंटी मलेरियल गुणों से भरपूर होता है लहसुन का पौधा। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, खाते भी हैं और जब हम लहसुन का इस्तेमाल खाने में करते हैं तो इसकी एक खुशबू जो है हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। लेकिन अगर आप लहसुन को खाना नहीं चाहते तो इसका पौधा लगाकर आप अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। लहसुन के अंदर जो खुशबू होती है उससे मच्छर हमेशा दूर भागते हैं। तो आप एक लहसुन का पौधा अपने घर में लगाकर या किसी गमले में लगाकर रखेंगे तो उसकी जो खुशबू है आपके घर के अंदर फैलेगी और मच्छर आपके घर से दूर चले जाएंगे। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप लहसुन के पानी का छिड़काव अपने घर में कर सकते हैं, उससे भी जो है मच्छर आपके घरों से दूर चले जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, तो आप इसका इस्तेमाल भी करके देख सकते हैं। पांचवें नंबर पर दोस्तों जो आता है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हम सभी के घरों में आमतौर पर होता है। बहुत सारे लोग जो है तुलसी की पूजा करते हैं और बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो तुलसी के अंदर पाए जाते हैं। तुलसी में आयरन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम चाय के अंदर या फिर काढ़ा बनाने के लिए भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी का पौधा आज ही अपने घर में लगाइए, क्योंकि तुलसी के आसपास छोटे छोटे कीट पतंगे मक्खी और मच्छर बिल्कुल नहीं आते। इससे मच्छर मक्खी जो है दूर भाग जाते हैं। तो तुलसी के पौधे को भी आप अपने घरों से मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक विकल्प है मच्छरों को भगाने का। तो दोस्तों ये थे कुछ पौधे जिन्हें आप अपने घर में लगाकर अपने घरों से मच्छरों को भगा सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।